नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की विशेष खबर पर। अब पेट्रोल पंपों से भी निकल सकेंगे रुपए। नकदी की कमी की दिक्कत को कम करने के लिए सरकार ने गुरुवार को कुछ पेट्रोल पंपों पर डेबिट कार्ड स्वाइप के जरिए 2000 रुपए तक की नकदी निकालने की मंजूरी दे दी। यह सुविधा देश के 2500 पेट्रोल पंप पर उपलब्ध होगी। इस कदम से उन लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है जो बैंकों, पोस्ट ऑफिस और एटीएम के बाहर कतार में खड़े हैं। एक अधिकारी ने कहा कि यह फैसला लिया गया कि कुछ पेट्रोल पंप जहां POS मशीन पहले से उपलब्ध है, वहां इस मशीन में डेबिट कार्ड स्वाइप कर एक व्यक्ति एक दिन में 2000 रुपए तक की नकद राशि निकाल सकता है। POS मशीन का इस्तेमाल आमतौर पर डेबिट या क्रेडिट कार्ड से धन ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। सूत्रों के मुताबिक यह सुविधा 24 नवंबर के बाद भी जारी रहेगी। गौरतलब है कि 24 नवंबर तक पेट्रोल पंप 500 और 1000 रुपए के नोट स्वीकार करेंगे। तेल कंपनियों के इस कदम से बैंकों में लंबी कतारें कम होने की उम्मीद है। हालांकि आज से बैंकों में अब पुराने नोटों के बदलने की सीमा 4500 से घटकर 2000 रुपए कर दी गई है। बाकी पैसे खाते में जमा होंगे। इस बीच चीनी मीडिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 500 और 1000 रुपए के नोट बदलने का बड़ा फैसला महज खराब पक्षपातपूर्ण षड्यंत्र या महंगा राजनीतिक मजाक बनकर रह जाएगा, यदि वह इसके बड़े बड़े दावों को पूरा करने में असफल रहे। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ हेडलाइंस पर। गृह मंत्रालय के अनुसार जाकिर नाइक कहता था प्रत्येक मुस्लिम को आतंकवादी होना चाहिए। नोटबंदी के चलते काम के बोझ से बैंक मैनेजर की मौत। मोजिम्बिक में ट्रक में धमाका, 73 लोगों की मौत। शीला दीक्षित के दामाद को एक दिन के न्यायालयिक हिरासत में भेजा गया। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 20वें नंबर पर।